8 दिसंबर 2022 इस डेट को नोट कर लीजिए क्योंकि यही तो वो दिन है जब यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री से पर्दा हटने वाला है। एलियंस है भी या नहीं, इस बात पर हमेशा से ही डिबेट तो होती आई है, लेकिन हाल ही में साल 2671 से आए हुए एक टाइम ट्रेवलर ने ये दावा कर दिया है कि 8 दिसंबर को एलियंस अर्थ पर आने वाले हैं, और साथ ही इसने कुछ ऐसी शॉकिंग प्रेडिक्शंस भी की हैं जो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल के रख सकती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टाइम ट्रेवलर की तरफ से की गई कुछ डार्क और मिस्ट्रीशियस चीजों के बारे में। अब टाइम ट्रेवल के बारे में काफी सारी फिक्शन मूवी और बुक्स तो है ही। टाइम ट्रेवलर वो होता है जो अपने टाइम लाइन को छोड़कर किसी और टाइम लाइन में चला जाता है। जैसे कि अगर अभी 2022 चल रहा है तो अगर हम 2050 में चले जाएं तो ये फ्यूचर टाइम ट्रेवल होगा, और अगर इसी तरह हम 1960s में चले जाएं तो ये पास्ट टाइम ट्रेवल होगा। अब जैसा कि इतना तो हम जानते ही हैं कि टाइम ट्रेवल फिलहाल तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और हम रियलिटी में ऐसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन टाइम टू टाइम ऐसे अक्सर लोग सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो फ्यूचर से आए हैं। अब ऐसा ही एक इंसान है इनो अलैन। ये है कौन और किस कंट्री से आया है, लेकिन इसका कहना है कि वो टाइम ट्रेवल करके आया है 2671 से। अब और कुछ इसके पास हो ना हो, लेकिन टिकटॉक अकाउंट जरूर है, और उसी टिकटॉक अकाउंट पर इसने एक वीडियो पब्लिश की है जिसमें 5 खतरनाक किस्म की प्रेडिक्शंस की है। अब इस वीडियो का कैप्शन है, अटेंशन, यस आई एम रियल टाइम ट्रेवल फॉर द ईयर 2671, रिमेंबर दिस 5 डेज टू कम। अब इन्होंने ये दावा किया है कि 8 दिसंबर 2022 को एलियन से हमारी मुलाकात होने वाली है। ये एलियन बड़े से मेटेरॉइड पर सवार होकर अर्थ में एंटर हो जाएंगे, और आखिरकार इस तरह एलियन की मिस्ट्री हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अब ऐसा होगा या नहीं, इसी के लिए तो हमें 8 दिसंबर तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इन साहब की प्रेडिक्शंस यहीं खत्म नहीं होती, इसके अलावा 8 दिसंबर से पहले 30 नवंबर कुछ खास होने वाला है। इस दिन JWB एक एक्सोप्लैनेट को भी ढूंढने वाला है जो सेम टू सेम हमारी अर्थ के जैसे ही होगा। अब तीसरा इवेंट होगा 6 फरवरी 2023 को, जब 4 टीनेजर्स एक खंडर को डिस्कवर करेंगे और वहाँ उन्हें एक ऐसी डिवाइस मिलेगी जिसे यूज करके हम दूसरी गैलेक्सी में ट्रेवल कर सकेंगे, यानी कि वॉर्म होल्स। अब फोर्थ प्रेडिक्शन के मुताबिक, जो कि मार्च 2023 को है, इस महीने साइंटिस्ट मरियाना ट्रेंच में एक एंशियंट स्पीशीज की डिस्कवरी भी कर लेंगे। वेट, अभी जो लास्ट वाली प्रेडिक्शन है ना, वो सुनकर तो आप डर कर कांपने लगोगे। मार्च 2023 में यूएसए के वेस्ट कोस्ट सैन फ्रांसिस्को पर एक मेगा सुनामी टकराने वाला है, और इन वेव्स की हाइट 750 फीट होगी। अब अगर ऐसा सुनामी असल में आ जाए ना, तो सैन फ्रांसिस्को शहर पानी के अंदर ही डूब जाएगा। वैसे ये महाशय फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले पहले टाइम ट्रेवल नहीं है, इससे पहले भी काफी सारे टाइम ट्रेवलर फ्यूचर के बारे में बताते ही आए हैं। जैसे कि एस्टेटिक टाइम वर्पर नाम के टिकटॉक अकाउंट से एलियन से जुड़ी कई और भी प्रेडिक्शंस की गई। ये इंसान अपने आप को 2714 से आया हुआ एक टाइम ट्रेवलर बताता है जिसने साल 2021 में एक वीडियो पब्लिश किया था। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था, मुझे एक फेक टाइम ट्रेवलर माना जाता है, लेकिन मैं प्रूफ करके रहूंगा कि मैं फेक नहीं हूँ। इन तीनों डेट्स को याद रखो और मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं फेक नहीं हूँ। पहली डेट थी 15 मार्च 2022। इस दिन एक वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला था जिससे ऐश क्लाउड बन जो आधी अर्थ के आसमान को ढक लेता। 28 जून 2022 के लिए ये दावा किया गया था कि इस दिन एक प्लेन ही मिसिंग हो जाएगा और वो उसके ठीक एक महीने बाद वापस लैंड करेगा। लेकिन जब उसमें बैठे पैसेंजर से ये पूछा जाएगा तो उनके मुताबिक 3 ही दिन गुजरे होंगे। अब थर्ड वाली प्रेडिक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। ये सबसे डेंजरस है। अगस्त 2022 को हम इंसान अर्थ के नीचे रहने वाली एलियन स्पीशीज को डिस्कवर कर पाएंगे और फिर इंसानों के साथ अर्थ पर मिलजुल कर रहने लगेंगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद ये टाइम ट्रेवलर्स फ्यूचर के किसी पैरेलल यूनिवर्स से आए हों और ये सारे के सारे इवेंट्स किसी पैरेलल यूनिवर्स में एक्चुअली हों। हम तो नहीं जानते ना, क्या पता। अब एक और टिकटॉकर एरी यूमैनी, इनके हिसाब से 19 अप्रैल 2022 को दुनिया में कोरोना वायरस का ओमेगा वर्जन फैलने वाला था और ये बाकी वर्जन से 5 गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे हम सब इससे बच गए। इसके बाद 17 सितंबर 2022 को हम आर्च ओशन में ग्रीन कॉइन को डिस्कवर करने वाले थे, लेकिन इन वंस में से भी कुछ नहीं हुआ। अब इस किस्म की वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं
और हजारों में कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ना जाने रोजाना कितनी सारी प्रेडिक्शंस होती ही रहती हैं, जो कि टाइम ट्रेवलर बेनिफिट। लेकिन आज जितनी भी हमने प्रेडिक्शंस डिस्कस की हैं, उनको सुनने के बाद इतना तो समझ में आ ही चुका होगा कि ये सब कुछ खोखले दावे। और इन बातों को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि काफी सारी कंट्रीज में इसको बैन क्यों किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि लोग आखिर ऐसी वीडियोस बनाते ही क्यों हैं? तो इसका सीधा सीधा सा जवाब है पब्लिसिटी। आपको याद तो होगा ही कि 21 दिसंबर 2011 में दुनिया खत्म होने वाली, याद है ना? हर इंसान के दिल में डूम्सडे का खौफ बैठ गया था। अब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इस न्यूज ने वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक कर दिया। अब जब कोई इंसान ऐसी खतरनाक प्रेडिक्शंस करता है तो इंटरनेट के यूजर्स उसको लाइक और कमेंट्स करके फैला देते हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, वीडियो वायरल होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूज पेपर्स और मीडिया पे फैल जाती है। और फिर सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात शुरू हो जाती है और इससे ये झूठ और लार्जर लोगों तक पहुंच जाता है। अब चाहे इनकी प्रेडिक्शन सच हो या गलत, जब ये लोग इतनी बड़ी ऑडियंस को कैप्चर कर लेते हैं तो इनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ती रहती है। और इंटरनेट की दुनिया में पॉपुलैरिटी इज इक्वल टू पैसा ही पैसा।